हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे अपने घर पे। सो आज मैं कवर करने वाली हूँ आंध्रा कुजीन। सो मैं आई हूँ तनाली किचन विच इज़ लोकेटेड इन ग्रीन पार्क मार्केट। सो लेट्स सी कि यहाँ पे आंध्रा कुजीन में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं एंड क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। सो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं इन आंध्रा कुजीन। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं कुछ मेकिंग भी शेयर करूँगी, सो आप ज़रूर देखना एंड तक। एंड ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दी नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो। सो सबसे पहले देखते हैं इनकी मेन्यू। सो यहाँ पे है इनका ड्रिंक्स का मेन्यू जहाँ पे आपको मॉकटेल शेक मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं स्टार्टर्स, नॉन वेज एंड वेजिटेरियन। इनके पास मिनी थालीज एंड कॉम्बोज भी हैं जहाँ पे आपको इडली वड़ा सब कुछ मिल जाएगा एंड वेजिटेरियन थालीज भी मिलेंगी जो हम फर्दर वीडियो में ट्राई करेंगे। एंड यहाँ पे उत्पम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वेराइटीज़ में मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपको बिरयानी भी मिलेगी, मटन के भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। एंड यहाँ पर इवन डिज़र्ट्स में भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जैसे कि पिंक गुआवा चिली आइसक्रीम। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ के एम्बियंस की। वो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सूदिंग लगा एंड कामिंग भी। यहाँ पे येलो, ब्लू एंड वाइट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा गया है एंड यहाँ पे वुडन चेयर्स विद मार्बल टेबल्स लगाई हुई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है लेकिन एलिगेंट भी लग रहा है काफ़ी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के स्टाफ की तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जितने भी स्टाफ थे उन सभी ने मास्क भी पहना हुआ था। अब यहाँ पे हमारे पास आंध्रा कुजीन वाली वेजिटेबल थाली आ गई है। सो अब जो यहाँ के स्टाफ है वो हमें एक्सप्लेन करेंगी कि इस थाली के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं एंड उसके बाद हम इसे करते हैं ट्राई। हमारा स्पेशल वेजिटेरियन थाली है जिसमें में सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें आपको लाइक फुल मील बेसिकली, जिसमें आपको पूरी, पापड़, राइस, फ्लेवर्ड राइस, चटनी, वेजिटेबल चटनी, स्वीट, सांभर, सारी चीज़ आती है। ठीक है मैम, और जिसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे ये आपको ये डोंडा फ्राई, डोंडा मीन्स लाइक कुंदरू जिसको हम हिंदी बोलते हैं, कुंदरू फ्राई है ये, इसको बोलते हैं गुट्टी बन का है, इसे आंध्रा नेम बेसिकली, बस गुट्टी बन का है छोटा बैगन। ठीक है, इसको ये दाल होती है मैम, मैंगो दाल होती है, इसे रॉ मैंगो दाल, इसे रॉ मैंगो, उसको हम मैंगो ताकि थोड़ा सा सावर खट्टापन हो जाता है। फिर ये रसम होता है टोमेटो रसम, दिस इज सांभर, दिस इज रवा केस, इज वेरी ट्रेडिशनल लाइक आंध्रा स्वीट, दैट वन इज लाइक लेमन राइस है। ठीक है, फ्राइड पापड़, इसे राइस पापड़ होते हैं, फ्राइड होता है, दिस इज फ्राइड चिली, पूरी एंड प्लेन राइस, दिस इज कम्प्लीट फुल मील एंड दिस इज कम्प्लीट थाली। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है एंड दैट इज़ राइस पापड़। सो यहाँ पे एक बड़ी सी मिर्ची भी दे रखी है जो मैं नहीं खाऊँगी एंड इसे तोड़ के देखते हैं, काफ़ी अच्छा ASMR आ जाएगा। जैसे नॉर्मल पापड़ होता है वैसे ही है, अच्छा है, प्लेन है। सो जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं एक्साइटेड हूँ ट्राई करने के लिए एंड वो है रॉ मैंगो की सब्ज़ी, और ये जो चटनी है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, थोड़ी अलग लग रही है। सो अब ट्राई करते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ की जो पूरी है इतनी क्यूट सी है, छोटी सी एकदम। सो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं राइस के साथ, यहाँ पे थोड़ा सा डाल देते हैं और यहाँ पे पूरी भी ले लेते हैं। सो सबसे पहले ट्राई करते हैं इस रॉ चटनी, रॉ मैंगो चटनी के साथ या सब्जी के साथ। सो ये है रॉ मैंगो की सब्ज़ी, सो इसको ट्राई करते हैं। स्पाइसी है, टैंगी है, समथिंग डिफरेंट जो मैंने साउथ इंडियन डिश में नहीं खाई है आज दिन तक। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इसमें तड़के का भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास है बैंगन की एक सब्ज़ी जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, काफ़ी ज़्यादा थिक है एंड यहाँ पे कड़ी पत्ता का भी यूज़ करा हुआ है, सो काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल लग रही है। एंड यहाँ पर छोटे छोटे एग प्लांट है, सो इसे करते हैं थोड़ा सा ट्राई, इसको करते हैं राइस के साथ। सो
काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है, फ्लेवरफुल है, अच्छी है। और अब इसको एक बार ट्राई करते हैं पूरी के साथ। मुझे पूरी के साथ काफ़ी अच्छी लगी, टैंगी और स्पाइसी है, नाइस, मज़ा आया खा के। सो इसके अंदर है कुंदरू, अनियन, पीनट्स, चिलीज। सो ये एक बार खा के देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है और इसमें अनियन का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल है और इसमें ना पीनट्स भी डले हुए हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा क्रंची टेस्ट भी आ रहा है। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो अब यहाँ पे है चटनी, ये चटनी मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है, डोंट नो किस चीज़ की है बट एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये भी काफ़ी टैंगी है, अच्छी लगी मुझे। सो यहाँ पे है मेरे लेमन राइस और इसमें भी काफ़ी अच्छे से पीनट और कड़ी पत्ता डाला हुआ है। काफ़ी टेस्टी है, इसको एक बार ही खाते हैं सांभर के साथ। काफ़ी टेस्टी लग रहा है, काफ़ी टैंगी फ्लेवर आ रहा है, काफ़ी टेस्टी है। और अब हम इनका टेस्ट करते हैं लास्ट चीज़ एंड दैट इज़ स्पाइसन। टैंगी, स्पाइसी, बहुत अच्छा टेस्ट है। ओवरऑल मुझे थाली अभी तक तो बहुत अच्छी लग रही है। और अब हम इनका लास्ट मीठा ट्राई करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा ओवरपावर नहीं कर रहा है मीठा, काफ़ी टेस्टी है। सो ओवरऑल जितनी भी चीज़ें मैंने इस वेज थाली में ट्राई करी हैं काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, कुछ चीज़ें टैंगी हैं, तो वो ओवरऑल सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहा है और आपको एक ही थाली में सारे फ्लेवर्स मिल रहे हैं, चाहे वो स्वीट हो, टैंगी हो। सो आपको ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। सो अब देखते हैं उत्पम डोसा और चिकन फ्राई की मेकिंग और उसके बाद इसको करते हैं टेस्ट टेस्ट।
यहाँ पे मेरा उत्पम आ गया है। सो यहाँ पे मैंने मंगाया है अनियन उत्पम, जिसके साथ मुझे मिला है यहाँ पे सांभर, कोकोनट चटनी एंड ये रेड वाली आई गेस टमेटो चटनी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है एंड काफ़ी अच्छा साइज़ भी है। सो अब इसे एक बार ट्राई करते हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्लफी लग रहा है देखने में। सो पहले इसको ट्राई करते हैं कोकोनट चटनी के साथ। कोकोनट चटनी काफ़ी अच्छी है, ठंडी है और कोकोनट का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है। स्वीट भी हल्की सी, मुझे काफ़ी टेस्टी लगी। और अब ट्राई करते हैं इसको उत्पम को इनकी टमेटो चटनी के साथ। इसके साथ भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है, स्वीट सा टेस्ट आ रहा है और टेस्टी लग रहा है, बट मुझे कोकोनट चटनी के साथ ज़्यादा अच्छा लगा। और सांभर के साथ भी ट्राई करते हैं। सांभर तो इनका अच्छा है ही, टांगी है और काफ़ी टेस्टी है, बट मुझे उत्पम का जो कॉम्बिनेशन है वो कोकोनट चटनी के साथ काफ़ी अच्छा लगता है और इसमें अनियन का भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। इसमें जो उत्पम है आपको और भी वेरिएशन में मिल सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे अनियन वाला वेरिएशन काफ़ी अच्छा लगता है। सो ये तो था ओवरऑल उत्पम की थाली, और इसमें आपको उत्पम की थाली में हलवा भी मिलता है। सो यहाँ पे मेरा मसाला डोसा आ गया है, काफ़ी बड़ा है डोसा जैसे कि आपने मेकिंग में देखा। और इसमें भी आपको मिली है कोकोनट चटनी, सांभर, यहाँ पे टमेटो वाली चटनी एंड हलवा। सो अब इसे ट्राई करते हैं, कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें आए अच्छे से लेती हूँ। काफ़ी अच्छे से फिलिंग हो रखी है और काफ़ी गर्म भी है। सो इसको सबसे पहले खाते हैं कोकोनट चटनी के साथ। काफ़ी सिंपल है, आलू में कुछ भी ज़्यादा ओवर पावर फ्लेवर्स नहीं है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है जो डोसे को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आलू है उसके अंदर अनियन है, थोड़े से पीनट्स हैं, कड़ी पत्ता, सो इन सबका अच्छे से टेस्ट आ रहा है। और अब इसको ट्राई करते हैं रेड चटनी के साथ। जो पीनट का अच्छे से क्रंच आ रहा है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो साउथ इंडियन डिशेज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ डोसा इडली नहीं है, बट यहाँ पे आपको नॉनवेज भी इक्वली अच्छा मिलेगा। सो यहाँ पे मैंने मंगवाया है चिकन फ्राई। सो यहाँ पे एक प्लेट में आपको 6 पीसेस के करीब मिलते हैं एंड काफ़ी अच्छे से गार्निश करा हुआ है विद कड़ी पत्ता एंड चिलीज, एंड यहाँ पे आपको साथ में अनियन एंड लेमन भी मिला हुआ है। सो इसमें लेमन स्क्वीज करते हैं। काफ़ी क्रंची है, फ्लेवरफुल है एंड चिकन टेंडर है, वेल कुक्ड है एंड उसके ऊपर लेमन काफ़ी अच्छे से टेस्ट दे रहा है एंड फर्स्ट बाइट में स्पाइसी नहीं लग रहा था, बट धीरे धीरे ये हल्का सा स्पाइसी लग रहा है, इसे काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें कड़ी पत्ता और जो ग्रीन चिलीज यूज करी है उसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। सो अब मैं इसे करती हूँ इन्जॉय अपने डोसा उत्पम एंड चिकन फ्राई को, और फिर मैं आपको एंड में मिलती है एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ के साथ जो साउथ की काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैंने पहले बोला था कि साउथ इंडिया की काफ़ी ज़्यादा फेमस है एक चीज़ मैं ट्राई करने वाली हूँ एंड दैट इज़ फिल्टर कॉफ़ी। सो मैं इस चीज़ को ट्राई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा पीनी पसंद है एंड मुझे काफ़ी टाइम से ट्राई करनी थी। सो अब इसको करते हैं ट्राई, ठीक है। ऐसे करते हैं।
कॉफी इसको हम थोड़ा और ठंडा करना है, आप इस टाइप कर सकते हैं लाइक इसमें इसके साथ ऐसे ही पी सकते हैं, आप ऐसे पी सकते हैं जिसे कम्फर्टेबल हो। बेसिकली ये बेस्ट होता है ठंडा करने के लिए। ठीक है, दिस इज आंध्रा स्पेशल फिल्टर कॉफी। आप भी जब भी आंध्रा में या साउथ में जाएंगे तो जरूर ट्राई करना। सो अब आपने देखा कि फिल्टर कॉफ़ी एग्जैक्टली पीते कैसे, तो अब इसे पी के देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, हल्की सी स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे कॉफ़ी क्योंकि स्ट्रॉन्ग पसंद है मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। और जिन्होंने अभी फिल्टर कॉफ़ी बनाई उन्होंने जैसे कि बताया कि आंध्रा या आप साउथ साइड कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ पे फिल्टर कॉफ़ी इज़ अ मस्ट ट्राई। सो अगर आप में से कोई भी साउथ जा रहा है तो ज़रूर ट्राई करना, और अगर नहीं जा पा रहे हो मन कर रहा है तो इधर आके ज़रूर पी लो, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। सो मेरी एंडिंग तो काफ़ी अच्छी हुई है, मुझे खुश कर दिया और मुझे ओवरऑल ये टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड दिस इज़ गुआवा चिली आइसक्रीम जो मैंने कभी ट्राई नहीं करी है, एंड ये इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दी है, इन्होंने बोला ये बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए। सो मैं तो ये पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ। सो ये है गुआवा आइसक्रीम एंड उसके ऊपर रेड चिली पाउडर आई गेस डाली हुई है। सो लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा है। सो करते हैं ट्राई। मैं पहले बता रही हूँ मुझे नहीं पता क्या एक्सपेक्ट करना है, मिर्ची या फिर मीठा या फिर ठंडा। बिल्कुल जैसे फ्रेश अमरूद होता है ना उसका टेस्ट है, एंड उसके ऊपर रेड चिली पाउडर, मतलब जैसे आप रोड साइड खाते हैं ना अमरूद काट के उसके ऊपर पूरा मसाला स्प्रिंकल करके, बस ये ठंडा वर्जन लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो चीज़ मैंने आज तक नहीं खाई, एंड ये चीज़ आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। सब मैं इसे करती हूँ इन्जॉय। आज यहाँ पे आके मुझे काफ़ी सारी नॉलेज मिली कि जो आंध्रा कुजीन है या फिर साउथ इटसेल्फ वहाँ पे आपको सिर्फ डोसा इडली नहीं मिलेगा, बट इससे कहीं ज़्यादा अच्छे ऑप्शन हैं जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, एंड ऑल्सो साउथ फूड ब्लैंड नहीं होता बट काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी टैंगी एंड चटपटा होता है। सो आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ के खाना चाहिए, मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये प्लेस। तो यहाँ पे कॉस्ट पर टू इज़ अप्रॉक्सीमेटली 600 INR फॉर टू। सो यहाँ पे मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, आप भी यहाँ पे आओ और इन्जॉय करो आंध्रा कुजीन। सो मैं अब आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कर दें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दी नोटिफिकेशन बेल। टिल देन मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। बाय।